बिहार के कुंडी विधानसभा पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने 3,632 वोटों से जीत दर्ज की है। केदार प्रसाद गुप्ता को कुल 76,668 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा थे, उनको 73,016 वोट मिले। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 7 पार्टियों के महागठबंधन के बाद भी बीजेपी की जीत कैसे हुई? आखिर महागठबंधन की हार की मुख्य वजह क्या है? कुडनी की सियासी पिच पर नीतीश कुमार के खिलाड़ी कैसे मात खा गए? कुडनी की हार के बाद जेडीयू के अंतर ही गतिरोध तेज हो चुका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को आईना दिखाते हुए ट्वीट भी किया है, जनता के हिसाब से फैसला लेना हो गया। उपचुनाव में महागठबंधन को हार कर मतदाताओं ने जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को एक संकेत देने की कोशिश की है। संदेश ये है कि मैंडेट के विरुद्ध जाकर नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन सरकार का गठन किया जाता है, जो कि जनता को पसंद नहीं आ रहा है। कुडनी आरजेडी के पूर्व विधायक नीतीश कुमार को हार का जिम्मेदार मानकर इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि महागठबंधन बन तो गया है, लेकिन अभी भी स्वरूप नहीं लिया गया है। जितना मांझी की पार्टी हम और वीआईपी की माने, तो हार का एकमात्र कारण नीतीश कुमार के प्रति घटती लोकप्रियता है। अति पिछड़ों पर नीतीश कुमार की पकड़ अब ढीली होने लगी है। नीतीश कुमार का वोट बैंक अब उनसे दूर होता जा रहा है। कुडनी की जीत के बाद बीजेपी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। हाल के महीनों में बिहार में 3 उपचुनाव हुए, जिसमें से मोकामा को छोड़कर गोपालगंज और कुडनी में बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। 2020 में बीजेपी कुडनी में 712 वोटों से चुनाव हार गई थी, जबकि उस समय साथ में नीतीश कुमार थे। लेकिन अब बिना नीतीश के बीजेपी ने कुडनी में जीत हासिल की है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी है, और दूसरी तरफ सुशील मोदी नीतीश कुमार को हार का जिम्मेदार बताकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी गुहार कर अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदलने में उनकी ताकत के लिए कुछ समय चाहिए, मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हूँ, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो। एक बड़े इतिहास के निर्माण से एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है, उसमें तुम ही विजयी होगे। इसलिए निराशा नहीं, और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं। 3 राज्यों में जहाँ भी थो, जहाँ वहाँ से दूर राज्य हार चुके, एक केवल कुडनी की बदौलत। निश्चित कुडनी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जरा संकेत जो देश देख रहा है, मुल्क देश की राजधानी में लोग हारे हैं, उस पहाड़ बर्फीले चोटियों पर हारे हैं। गुजरात जिसकी बदौलत देश में फैले थे, उसको ये बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए टोटलिटी में दंगाई और उन्मादी और भाजपाई लोग परास्त के रास्ते पर हैं, थोड़ा सा बिहार में, थोड़ा सा से 2-3 राउंड में बूथ कब्जे के आधार पर जो उनकी ताकतें हैं, धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कमजोर और गरीब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी हम लोग इस सारे विश्लेषण से मैं देख रहा हूँ। तो ये जो प्रतिक्रिया थी मैंने दी है, इसके आगे की बात समीक्षा के उपरांत ही संभव है। कैंडिडेट में कुछ दिक्कत था या फिर क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू से अति पिछड़ा वोट जो है वो खिसक गया? नहीं नहीं, किसी के कह देने से थोड़े हो जाएगा। हम खुद समीक्षा करेंगे पार्टी में बैठ कर, और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कमी रह गई। हार तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी देखेंगे, समीक्षा करेंगे, तभी तो बता पाएंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो गया जनता के? नहीं नहीं, बीजेपी के लोग जो कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम है। लेकिन हम लोग जब तक हार के कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक विस्तार से बताना कैसे संभव हो पाए। आपको जिसमें लगता है कि बेहतर रिजल्ट होगा, 2425 की लड़ाई लड़नी है आपको? हाँ, निश्चित रूप से हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है, अलार्म जैसा भी कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे
जो कमियां रही होंगी समीक्षा के उपरांत हम देखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे, और दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम 40 में 40 जीतने का जो हमारा दावा है उस ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन कमियों की समीक्षा हमको करनी पड़ेगी। ये आपके अलायंस मैं आपको अपने पुरानी विधानसभा क्षेत्र के मतदान मालिकों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो मत देकर जिताए हैं और जो जीता है उसे भी हम बधाई देते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि जनमत और जनता के फैसला को समझना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो जो जनता ने फैसला दिया उसको सर आँखों पर है कुरनी के मतदाता मालिकों पर, और जो यह हार जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन का, महागठबंधन की हार ही नहीं है, यह महागठबंधन की हार नहीं है। वहाँ का जो नीतीश कुमार जी का जो अति पिछड़ा का हक मारी करने का जो काम किए इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, और यह हार जो है सो कुरहन्नी में जो हुई है वो खास करके, और एकमात्र अगर किसी का नाम बोला जाए तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी, या नीतीश कुमार जी की हार हुई है, क्योंकि वो जबरन राजस का जो जीता हुआ सीट था, ललटेन छाप का जो जीता हुआ सीट था, वो तीर छाप को लेकर अपना उम्मीदवार दिए थे। तो आज जिस प्रकार से राजद ने अपना जीता हुआ सीट दे दिए, त्याग किए, उसी प्रकार से त्याग भावना अगर नीतीश जी में है तो आज भी समय है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर और जो है सो जल्द से जल्द नीतीश तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तब जाकर इनके त्याग भावना को, क्योंकि जनता देखती है कि किसके पास में क्या त्याग भावना है। आज तो हमारा पार्टी तेजस्वी यादव ने राजद का सीट होते हुए भी त्याग किए कि नहीं किया, जब उन्होंने त्याग किए तो आज अब तेजस्वी यादव जी को बनाने के लिए अब नीतीश कुमार जी को त्याग करने का भावना रखना चाहिए। लेकिन आप लोग महागठबंधन में है, देखिए कुर्नी की हार निसंदेह हमारे लिए खतरनाक संदेश है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार करना हमारे लिए महंगा पड़ा है। साथ ही उसी वक्त जो ताड़ी पे प्रतिबंध लगाया गया उसका भी खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। देखिए अब वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं, जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें, नहीं तो स्थिति और भी भयावह होगी। वोट बैंक खत्म हो चुका है। अभी जो कह रहे हैं वो उन पे ज्यादा स्टडी किए होंगे। आप क्या मानते? मेरा मानना है कि सरकार वो चला रहे हैं उनके प्रति नाराजगी है, और शायद नाराजगी नहीं होता तो चुनाव जीतते। तो सरकार चला रहे जो इशू है, खास करके जो हमारे दलित भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, जो पुलिस बेवजह उनको गालू का इल्जाम लगा के उनको जेल भेज दे रहे हैं, इसमें सरकार को समीक्षा करना चाहिए, खास करके तारीख को फ्री करना चाहिए, और इसके लिए हमारे दलित भाई परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को जहाँ कमी है उनको खुद को तलाश करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि सभी पार्टी खत्म हो जाए, बीजेपी पार्टी सबसे आगे आ जाए। हम थोड़े चाहेंगे कि जेडीयू पार्टी बड़ा स्केल पे रहे, हम भी चाहेंगे वो पार्टी खत्म हो जाए, उसके जगह बीजेपी पार्टी ले। फेल हो गए बालू माफिया, फेल हो गए। और ये एनडीए का मतलब बीजेपी होता है, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार नहीं होता, ये मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर पहले दिन से कह रहा हूँ। नीतीश कुमार पूरी तरह फेल्योर हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत अब 1000 की रह गई है। 1000 वाले नीतीश कुमार हम बिहार के मुख्यमंत्री। देखिये स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी बार बार कहते थे कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार होता है, एनडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होती है। सम्राट कुर्नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे, और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी आपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और आपका जो वोट है अब आप उसके मालिक नहीं हैं। अब वोट अब आपका नहीं रहा, जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खिसक चुका है, और आप लोगों ने जो चाल चली थी
कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम काट पैदा करें और जो भूमियार वोट में उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, तो इसलिए आपके आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और उसमें कुर्नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूँ, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना है? मान रहे थे। देखिए एक मैं बता दें, इनके जो आसपास बैठते ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिया, पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिया। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए दो चुनाव हुए, जरा आपने अच्छा चेहरा है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है, आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए, और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है, पूरा का पूरा शाहबाद का, पूरा पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहाँ से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू का। तो जब एगो एमपीए नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? को चांस है क्या? कोई चांस नहीं है।